गंदगी बहुत ज्यादा करी हुई है लोगों ने, देखो इधर गंदगी बहुत ज्यादा करी हुई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज व्लॉग शुरू है, मैं सुबह नहा धो के एकदम तैयार हुआ हूँ क्योंकि आज मैं बना रही मैगी दूध उबलने का, और दूध उबल चुका है, चाय भी बन रही है। अब मैगी मैं बनाऊंगा अलग तरीके से, भाई का है वैसे तो ये, भाई बनाता है रेसिपी, लेकिन आज मैं बनाऊंगा, तो आप देखना ये मैगी कैसी बनाता हूँ मैं और कैसी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अब ये जैसे मैगी है, इसमें अपन लेंगे चार मैगी लेंगे, मतलब चार अलग अलग वो होते हैं ना क्यूब से बने, ये लेंगे चार। खोलो इसके पहले, हमेशा हम बड़ी बड़ी मैगी ही मंगाते हैं क्योंकि मैगी ख़त्म हो जाती है जल्दी, मैगी खाते हैं हम बहुत। पहले चार के हिसाब से पानी डालते हैं, और मम्मी बताई गई है कि चार के हिसाब से तीन कप पानी डलेगा, तीन गिलास पानी। तो गिलास लें, ये रहा गिलास, अब इसमें तीन गिलास पानी डालना है, फिर इसमें बटर डालना है, बटर भाई से भूल लेता हूँ कितना डालना है, फिर डालेंगे बटर। भाई अब इसमें दो चम्मच घी मक्खन डाल दिया, सही वाले दो चम्मच, ऐसे वाले दो चम्मच मक्खन डाला है इसमें, उबलते हुए पानी में डालना है। अब इसके बाद जितनी आपको मैगी बनानी, जैसे मैंने चार मैगी बनाने हैं, मतलब ये चार बनाने हैं, तो मैंने तीन गिलास पानी डाला है, आपको जैसे एक गिलास पे पौना गिलास पानी, एक गिलास पे पौना गिलास पानी, मतलब एक पूरे गिलास में जितना पानी बरसा उसमें से थोड़ा इतना कम, ये होता है पौना गिलास पानी, तो इतना आपको रखना है इसमें बाकी। और फिर उसके बाद में मक्खन डाल देना, अगर आप ऐसी मैगी बना रहे हो तो मक्खन डाल देना दो चम्मच, बाकी आपकी ज़्यादा हो तो तीन भी हो सकते हैं, चार चम्मच भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने चार जनों में दो चम्मच डाले हैं, मतलब चार मैगी में दो चम्मच डाले हैं, बाकी आप देख लेना। अब डालेंगे इसमें मसाला, देखो ये होने चालू हो गया है, अब इसमें डलेगा मसाला और फिर इसके बाद डलेगी मैगी। ओ भाई अब ये क्या माइक्रोवेव जैसा है क्या? बता दिया डच वाला, इतने गत्ते पे गत्ते पे गत्ता चढ़ा हुआ है। तो ये है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, पढ़ लेना आप सारे। तो भाई थोड़ा सा प्लान में चेंज है, आज हम सरदार शहर की जगह पुंडरा सर जा रहे हैं, पुंडरा सर बालाजी मंदिर जा रहे हैं। पुंडरा सर बालाजी मंदिर नहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? कोलाय जा रहे हैं। अभी आपको मैं तालाब दिखाऊंगा, बहुत तगड़ा, कमल के फूल होते हैं ना भाई उसमें, हैं? उसमें कमल के फूल होते हैं ना तालाब में। हाँ चलते हैं अभी। तो अब हम सब फैमिली पूरी निकल चुके हैं कोलायत के लिए, कोलायत जा रहे हैं हम लोग। तो कोलायत किस रास्ते से, कौन सा रास्ता है वो? जैसलमेर रोड, जैसलमेर से आएगा कोलायत। मैं बाकी आपको दिखाता रहूंगा पूरा रास्ता, लेकिन ये रोड है जैसलमेर, उधर से जाती है कोलायत की तरफ।
चाट है बना हुआ, मार्केट लग गया पूरा दिखाते हैं। तो चलो कोलायत चले, इधर ले जाएंगे, यहां भी लगता है आजकल। वो वहां से हट गया, वहां से वो हटा दिया, लोग लेकर भी आने लग गए सामान, जैकेट लगा लिया ना, उसे लगा लिया इसलिए आज हम हैं ना। जैसलमेर रोड है ना ये हॉस्पिटल देखो, बहुत ज्यादा पेड़ आगे है आगे, ये है कोठारी हॉस्पिटल, ये देखो ये पेड़ों की वजह से बहुत कम दिख रहा है भाई। पीबीएम जैसा है ना ये, नहीं अच्छा है, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो पीबीएम, वैसे पीबीएम अच्छा है, डॉक्टर वहाँ ज्यादा है। तो यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए नियर बाय है ना। अब ये देखो ये पूरी गंगा, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी चालू है यहाँ से, ये देखो इधर से पूरी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बैंक बना हुआ अपने पंजाब में, सुन हाँ बैंक बने, ये वो उनके उन समय चालू की थी क्या महाराजा गंगा सिंह जी की, अभी बनी है, अभी बनी है। ये मेन गेट आ गया इसका, ये देखो पीछे लिखा हुआ है MGSU। जितनी लव्य है चलती जा रही है, बस यहाँ पे एंड है। ये एंट्रेंस हो गई है कोलायत की, ये देखो ये गुरुद्वारा, गांव ही है छोटा सा, तो ये आगे कोलायत धाम श्री कपिल धाम। इनका शायद बच्चा गुम हो गया अंदर कपिल मुनि धाम के अंदर बैठा, अनाउंसमेंट हो रही है। तो ये हम चारों क्या, तो ये कार्यालय तहसीलदार मजिस्ट्रेट कोर्ट है ये करेगी, जैसे अपने वहां पे होती ना डिस्ट्रिक्ट। तो अब हम चारों निकल गए अंदर की तरफ, कोलायत बीकानेर माधाराम हाय कर दो, पापा हाय कर दो, हाय अमर जवान। Thank you.
साबुन का प्रयोग तालाब में ना करें। यहाँ की ये भी एक एंट्रेंस है यहाँ की, और अभी मंदिर की तरफ जा रहा है। साबुन का प्रयोग ना करें तालाब में। ऊपर गंगा जी का मंदिर है ऊपर की तरफ। ये देखो ये तालाब कोलायत, बहुत ज्यादा ही शांति है इधर। ये पूरा पीछे कपिल सरोवर है। ये कमल फूल के पत्ते हैं देखो नीचे, ये कमल गट्टे निकलते हैं देखो इसमें। ये ना मुझे पड़ा है। बे बे नहीं, इसमें से कमल के बीज निकलते हैं, वो है ना लक्ष्मी को प्रिय होती। चलो आगे चले। जय शंकर। ये पीपल का पेड़ है देखो, ये चाय बन रही। चाय ऊपर मेडिकल शॉप है। ये हवन स्थान है, हवन कराना हो किसी को तो। ये नाव अंदर गई थोड़ी है, कोई घूमते थोड़े देते होंगे। अच्छा अभी यहाँ चल रही है तो पीछे जो नाव पड़ी है इसको अभी यूज किया नहीं है। 8 तारीख को मेला है, बुलाया तो मिला है 8 तारीख को। इसमें सफाइयाँ चल रही है सारी अंदर। ये कमल के फूल के हैं पत्ते। यमुना जी का मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर। ये आ गया कोलायत मंदिर। ये सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं अंदर। तो मंदिर में दर्शन पूरे हो गए। मंदिर के अंदर फोन अलाउ नहीं था। फोटो गंदगी बहुत ज्यादा करी हुई है लोगों ने। देखो इधर गंदगी बहुत ज्यादा करी हुई है।
बोट अभी जब वो सफाइया हो जाएगी पूरी यहाँ की तब चालू होगी बोट ऑफिस। पैडल वाली बोट से तो घर पहुंच गए हैं। क्या हुआ रास्ते में ना बीच में गाड़ी में कोई वो इंजन लाइट आने लगी तो उससे गाड़ी भी उन्होंने फ़ोन किया मैंने इतनी नेत्र क्यों मतलब जो काम करते हैं सर्विस जहाँ से मैं कल करा के लाया था उन्होंने कहा कि गाड़ी को धीरे धीरे लेके आओ धीरे धीरे ले जाओ। तो कोटम दे सर के आगे हुआ था ये अभी वो खाने का ऑर्डर दिया होता वो आने वाला है तो उसका वेट कर रहा हूँ बस 5 मिनट में आ जाएगा वो। दोबारा सोचना नहीं पड़ता। बस यहाँ तक था आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग पे लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, जब तक के लिए बाय बाय।